हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। नॉलेज आईक्यू में आज हम करेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है शशांक लखेरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसमें जो है मैं हिंदू और पीआईबी के जो है वो करंट अफेयर्स कवर करता हूँ। और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कैन टेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू ओपन स्कूल फ्रॉम 15 अक्टूबर। सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्स विल बी अलाउड टू ओपन विथ हाउ मच कैपेसिटी। तो बेसिकली 15 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि स्टेट के ऊपर दे दिया है कि आप चाहे तो 15 अक्टूबर से खोल सकते हैं सिनेमा मल्टीप्लेक्स जो है वो सब आप खोल सकते हैं, स्कूल्स भी, लेकिन कितनी कैपेसिटी के साथ आप खोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है 50%, तो 50% की कैपेसिटी के साथ जो है आप ये जो है खोल सकते हैं। अनलॉक 5 जो है अब वो जो है चालू हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल इज डैश सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो बेसिकली ब्रह्मोस जो है उसको अभी अभी टेस्ट कर लिया गया है, तो उसमें जो है इंडिजीनियस अब जो है पार्ट्स जो है यूज करे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये किस तरीके की मिसाइल है, तो ये जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, इसलिए इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र और दामोस, एक नदी है जो रशिया में बहती है, तो उनके नाम पे इसको रखा गया है। रशिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल एंड मिखाइल मिशुस्टिन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट एंड हिज पार्टी इज यूनाइटेड रशिया। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, ब्रह्मोस एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और अगर मैं बात करूं तो ये डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, और आपको पता है कि डीआरडीओ के जो चीफ हैं वो है जी सतीश रेड्डी, तो ये आपको याद रखना है। और डीआरडीओ ने एक चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर बनाया था, मतलब बनाया है, उसका नाम क्या है, तो गनशॉट लोकेटर जो चीपेस्ट है उसका नाम है पार्थ। सो रिमेंबर दिस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया हुआ है। ओडिशा असेंबली पास्ड द एपिडेमिक डिसीज ओडिशा एमेंडमेंट बिल 2020, इट विल रिप्लेस विच एक्ट। तो बेसिकली ओडिशा असेंबली ने एक बिल पास किया है जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 2020 अभी लाया गया है, और ये जो है कौन सा एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली ये जो है 1897 का जो एक्ट है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, इसको जो है वो जो है रिप्लेस करेगा। सो रिमेंबर दिस इज द करेक्ट आंसर, 1897 एक्ट। सो रिमेंबर दिस। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर एंड सीएम इज नवीन पटनायक, सन ऑफ बीजू पटनायक, एंड रूलिंग पार्टी इज बीजेडी, बीजू जनता दल। सो रिमेंबर दिस। और ओडिशा में आपको बहुत ही जो है टेंपल्स मिलेंगे, जैसे जगन्नाथपुरी टेंपल्स मिलेगा, और आपको जगन्नाथपुरी के अलावा कोणार्क टेंपल मिलेगा। हाँ, कोणार्क टेंपल भी न्यूज में था। अब कोणार्क टेंपल क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो है इसको 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो एलएसी जैसे हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो एलएसी और मैकमोहन लाइन ये जो है ये किन दोनों देश के बीच की जो है सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये इंडिया और, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो इंडिया और चाइना के बीच की है। यू विल प्लेस इंडिया एंड चाइना। सो जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, भारत जो इसका आंसर है इंडिया और चाइना है। और इंडिया चाइना को गार्ड करता है कौन, तो वहां पे जो है गार्ड करता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। सो रिमेंबर दिस। इंडिया और नेपाल में करता है सशस्त्र सीमा बल, पाकिस्तान में करता है बीएसएफ, और भूटान में भी करता है सशस्त्र सीमा बल, और बांग्लादेश में भी बीएसएफ गार्ड करता है। सो रिमेंबर दिस। कुंभ मेला इज टू बी हेल्ड इन हरिद्वार इन 2021 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट टेक प्लेस। तो बेसिकली कुंभ मेला है, हर 4 साल में लगता है ये, और आपको पता है तो अलग अलग प्लेसेस पे लगता है ये, तो अब जो है 2021 में हरिद्वार में लगना है, तो ये कितने साल बाद यहाँ पे लग रहा है, तो बेसिकली ये जो लग रहा है 11 साल बाद यहाँ पे लग रहा है। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी न्यूज में था, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होना था उस पर एक एप्लीकेशन लगाई गई थी जो कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दे दिया कि नहीं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के चेयरमैन है। आर्टिकल 315 डिफाइन करता है
जो पार्ट 14 में है, किसको? पार्ट 14 आर्टिकल 315 ये डिफाइन करता है किसको? ये डिफाइन करता है यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. डिफेंस मिनिस्ट्री केम अप विथ इट्स लेटेस्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020. इट विल रिप्लेस विच डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर. तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने एक नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है लेके आई है. मतलब अब जो है डिफेंस जो सामान खरीदेगी उसके लिए जो है नया प्रोसीजर बना दिया गया है. तो बेसिकली अभी तक जो है हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे थे, कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे थे, तो ये जो था ये 15 साल पुराना था और ये रिप्लेस करेगा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2005. तो बेसिकली हम 2005 का जो है जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है उसको यूज कर रहे थे. और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ. तो रिमेंबर दिस. और लखनऊ टू गाजियाबाद बनना है पूर्वांचल एक्सप्रेस. सो रिमेंबर दिस, लखनऊ से गाजियाबाद ये बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस. सो रिमेंबर दिस. अ फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड व्हाट? इट वाज कमीशन्ड रिसेंटली इन इंडियन कोस्ट गार्ड. तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल जो है कमीशन किया गया है. तो इसका नाम क्या है? तो बेसिकली इट इज कनकलता बरुआ, ICGS कनकलता बरुआ. इसको जो है कमीशन किया गया. और ये कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है. और इसको जो बनाता है वो एक गार्डन रीच शिप बिल्डर. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. लिंकन श्री लिंकन शायर वाइल्ड लाइफ पार्क वॉज रिसेंटली इन न्यूज. इट इज सिचुएटेड वेयर? तो लिंकन शायर एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, ये अभी न्यूज में था. तो बेसिकली ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड इन यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन. एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन. सो बेसिकली रिमेंबर दिस, बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. और यूएसए की बात करूँ तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी. एंड प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप. और इनको चैलेंज करेंगे कौन? जो बाइडन. एंड हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट इज माइक पेंस. वेल देखिए, भारत जो है यूएसए से बहुत कुछ खरीदता है. जैसे अगर हम बात करें तो चिनूक हमने जो है खरीदा है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है और ट्रांसपोर्ट जो है एयरक्राफ्ट है. और अपाचे खरीदा है भारत ने. अपाचे जो है ये अटैक हेलीकॉप्टर है. सो बेसिकली हम लॉट्स ऑफ जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम खरीद रहे हैं इनसे. और भारत एक गन भी खरीद रहा है और उसका नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. अलेक्जेंडर डी क्रू अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो बेसिकली अलेक्जेंडर डी क्रू जो है नए प्रधानमंत्री कहाँ के बने? तो ये जो बने हैं बेल्जियम के बने हैं. बेल्जियम कैपिटल है ब्रसेल्स. ब्रसेल्स में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नाटो का और यूरोपियन यूनियन का. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है जो ब्रसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है. और मैं आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन में जो है बहुत सारे जो देश हैं यूरोप के वो आते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. और इसके पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहले क्या थे. क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं ब्रसेल्स बेल्जियम के, तो वो पहले किस पोस्ट पे थे या पहले क्या थे? तो बेसिकली वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वहीं के. जनरल अटलांटिक इन्वेस्टिंग हाउ मच अमाउंट टू बाय 0.84% स्टेक्स इन रिटेल इन रिलायंस रिटेल. तो बेसिकली एक जनरल अटलांटिक इन्वेस्टिंग कंपनी है, ये कितना पैसा लगाएगी 0.84% जो शेयर खरीदेगी रिलायंस रिटेल में? तो बेसिकली इट विल इन्वेस्ट 3,675 करोड़. सो 3,675 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे. न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज नोन एज ब्रिक्स बैंक. ब्रिक्स जो है पांच देश है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. और ये जो बैंक है इसने जो है 500 मिलियन का जो है लोन अप्रूव कर दिया है. तो ये किस चीज़ के लिए है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो न्यू डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इज एट शंघाई. सो रिमेंबर दिस. नो, इट इज इन बीजिंग. तो बीजिंग में आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर. और बीजिंग में ही आपको मिलेगा AIIB का हेडक्वार्टर. और न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपको मिलेगा शंघाई में. और बीजिंग का जो है वो AIIB में आपको, AIIB का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिलेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. और अगर मैं बात करूँ तो दोनों के लिए जो है ये जो है अमाउंट जो है क्लियर किया गया है. तो दिल्ली और गाजियाबाद मेट्रो के लिए भी,
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए, और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो बन रहा है तो बेसिकली उसके लिए। तो ये जो है, और बेसिकली ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। मतलब मैंने ऑप्शन जानबूझ के मैंने अलग रखे हैं, ये एक ही चीज़ है। दिल्ली गाजियाबाद जो मेरठ है वही तो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसमें आपको इस तरीके से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें है ये एक ही चीज़ दोनों, ये अलग नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ एक ही है, और ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनेगा भारत का पहला, वो यहीं बनने वाला है। तो इनको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, और इसको कंफ्यूज नहीं करना, लखनऊ से गाजियाबाद क्या बनने वाला है, वो बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत लॉन्चेज विच मिशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर वेंचर कैपिटल। तो बेसिकली जो सोशल जस्टिस हमारे एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जो वेंचर कैपिटल है उसके अंडर में। तो बेसिकली उस प्रोग्राम का नाम क्या है, उस मिशन का नाम क्या है, तो उस मिशन का नाम है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो बेसिकली इस जो मिशन का नाम है वो अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड रिमेंबर अम्बेडकर की जो जयंती है 14th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इनका जो बर्थ है वो हुआ था कहाँ पे, मऊ। मऊ आपको मिलेगा इंदौर के पास, तो MP में। तो रिमेंबर दिस, नागरनो करबक इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच टू कंट्री। तो बेसिकली नागर को करबन ये न्यूज में था, और ये जो है डिस्प्यूटेड रीजन है किन के बीच का है, तो ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है ये अर्मेनिया और अजरबैजान का है। तो बेसिकली इनके बीच में है जो फाइट शुरू हो गई है, जो वॉर है वो शुरू हो गया है, और इनके बीच में एक ट्रीटी है, क्योंकि अजरबैजान की ट्रीटी है किसके साथ, रशिया के साथ। तो बेसिकली अगर उस पर अटैक होता है तो मान लो रशिया पर अटैक हो रहा है, तो ये चीज़ भी है। और इसमें जो है टर्की भी अब आ चुका है और पाकिस्तान के ट्रुप्स भी आ गए हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन 2nd October द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स डिसाइडेड टू सेलिब्रेट क्लीन इंडिया मिशन, इट इज़ लॉन्च इन विच ईयर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स से कौन है, तो उसके हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यही जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में आती है मेट्रो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिशन लॉन्च किया गया था ये कब किया गया था, तो ये 2014 में किया गया था। तो 6 ईयर को कॉमरेड करने के लिए हम 6 ईयर जो है सेलिब्रेट करेंगे क्लीन इंडिया मिशन के लिए, तो बेसिकली उसी को कॉमरेड करने के लिए जो है जो इस चीज़ को, इस मिशन को जो है सेलिब्रेट करेंगे, तो 6 साल हो जाएंगे तो इसलिए हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। तो ये जो है ये 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, राजघाट से। तो राजघाट आपको पता है जो समाधि है गांधी जी की, मतलब गांधी जी का जो स्मारक है वहाँ पे, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और आई होप यू एंजॉयड द वीडियोज़। See you in the next videos of Knowledge IQ. Till then, take care.